वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम जन्माष्टमी पे बनाएंगे पंचमेवा पाक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। मैंने 1/2 कप मखाने लिए हैं और इन्हें हम हल्का रोस्ट करेंगे। मखाने रोस्ट हो चुके हैं, हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में थोड़े से कटे बादाम, काजू, चिरौंजी, छुआरे और किशमिश डालेंगे। हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट का टेस्ट अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। अब हम इसमें नारियल डालेंगे। मैंने एक बड़े नारियल के गोले को घिस लिया था, ये क्वांटिटी में 2 कप है। नारियल को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया है। अगर आपके नारियल का गोला सख्त है तो आप इसे 10 मिनट गर्म पानी में रख लीजिए, जिससे ये इजीली घिस जाएगा। मैंने नारियल को 2-3 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 1 कप शुगर और 1/2 कप पानी डालेंगे और इसकी शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसमें शक्कर घुल चुकी है, हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए ड्रॉप ऐसे गिर रही है, मतलब हमारी शुगर सिरप तैयार है। अब हम इसमें हमारी सारी चीजें डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। सॉरी, वीडियो गलती से पॉज हो गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे फटाफट से एक ट्रे में निकाल लेंगे। मैंने ट्रे के बटर पेपर लगा के उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब हम इसको ट्रे में डालेंगे। अब मैं इसे दबाकर सेट कर लूंगी। हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमारा पंचमेवा पाक सेट हो चुका है, अब मैं इसे पीसेस में कट कर लूंगी। हमारा पंचमेवा पाक तैयार है। अब मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ।
आप इस जन्माष्टमी में इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।